चले। सो दोस्तों देखिए जरा, मैं अभी इस टेस्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। थर्ड वीकली टेस्ट है ऑब्वियसली, एंड ऑनलाइन बैच ये 17 लिखा था मगर 27 है, ठीक है ना। सो ऑनलाइन बैच 27 है और टोटल मार्क्स 20 थे, एंड टेस्ट कब ली गई थी वो यहाँ पे मंथ है आप लोगों का स्टूडेंट नेम वगैरह जो आप लोगों ने भेजा, माशाल्लाह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सबके लिए है क्योंकि हम लोग अपलोड करते हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चंस जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं सिर्फ आईबीएस अखर यूनिवर्सिटी या कराची आईबी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। यानी जहां जहां पे मैथ्स घुस रही है ना, उधर उधर के लिए, उन उनके लिए काम किया। यानी जॉब्स की बात करूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बात करूं, कहां पे भी आप लोग जाएंगे तो मैथ्स आप लोगों के लिए जरूरी है। और ये वैसे हर जगह पे काम आनी है क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कहीं पे भी जाए तो बेसिक आना जरूरी है। चलो देखो जरा, शाबाश। कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है। चलो देख लेते हैं अब एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर आप लोगों के पास 1/9 यानी 1/9 होल पावर एक्स प्लस 2 इक्वल्स 3 है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कर क्या सकते हो, यानी 1/9 जो है ये 3/2 हो जाएगा, ऐसे इक्वल्स 3 हो जाएगा, और ये अगर ऊपर आए हैं तो यानी 3/-2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी x+2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो माशाल्लाह ये भी गुड है। अच्छा अब क्या करना है, 3/ ये 2, क्योंकि आप देखो बेसिस सेम आ गए हैं, बेसिस सेम आ गए हैं, ठीक है ना। ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2x होना है, -(+), -4 हो जाएगा, इक्वल्स 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए यानी 3/-2x -4 इक्वल्स 3 पे आके बच्चे कुछ गलती कर लेते हैं। फिर वो कौन सी गलती होती है, इधर देखो जरा शाबाश, वो गलती कौन सी होती है, वो गलती इधर होती है। वो क्या करते हैं, माइनस ये खत्म करके -2x-4 करके इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बल्कि 3 के ऊपर 1 है तो आपको 1 बराबर करना है, 0 नहीं करना है। समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि ये -2x है तो उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, -4-1 इक्वल्स +2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -5 एंड 2x, तो एक्स क्या आएगा, -5/2 हो जाएगा। तो -5/2 कहाँ पे था, एनीबडी प्लीज, सो हेयर इट वॉज। हाँ चलो ठीक है, नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ, इज द रूट कह रहा था। कुछ स्टूडेंट ने 0.64/0.04 करके ये पॉइंट ये खत्म करके 64/4 करके टेबल लगाई, रिजल्ट 16 आ गया, उन्होंने 16 लगा दिया और बड़े आराम से लगाया, कोई टेंशन नहीं थी उनको, कोई मसला नहीं था, मगर वो पूछ रहा था रूट क्या होगा, रूट क्या होगा। तो 16 रिजल्ट तो आया था मगर 16 का रूट क्या होना चाहिए, दैट इज 4, तो बी होना चाहिए था ना। अल्लाह खैर करे आप लोगों ने इतनी जल्दी कर लिया है, पता नहीं कहाँ जाना था आप लोगों को। क्वेश्चन को पढ़ा करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कह रहा है। हाँ शाबाश माशाल्लाह, आगे मूव करते हैं। चलो भाई इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd पे है। कह रहा है इफ 2/n इज इक्वल टू, यानी 2/n इज इक्वल टू 128, देन 2/n-1 एंड 5/n-1 क्या होगा, ये पूछ रहा है ना आप लोगों से, यही पूछ रहा है। अच्छा सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखो बेग पावर सेम है ना, पावर सेम है, अब n चाहिए, पावर सेम है, जब पावर सेम हो तो क्या लिखते हो, 2 × 5 करके पावर सेम है, यानी n-1 लिख सकते हो आप लोग, यस आराम से लिख सकते हो। तो यहां से एक स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, यानी 2/n इज इक्वल टू 128 को क्या लिख सकते हो, 2/7 लिख सकते हो, बताते जाओ जरा शाबाश। कैन यू राइट एज अ 2/7 128 को, यहां से आपका 2 2 खत्म हो गया तो n किसके बराबर आ गया, 7 के, सो 2 × 5 ये 10 हो गया, और ये n क्या आया, 7, 7 से -1 करो तो 10 पावर क्या आएगा, 6 आएगा, वेयर इज 10 पावर 6। हेलो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक पहुंच सी रही है, यस सर, शाबाश। ये ट्रिक समझते जाएं आप सी लोग, तोड़ ऑप्शन। के समझते जाएं, कोई कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो आप लोगों उसको आप लोगों से मतलब इतना बड़ा जबरदस्त टाइम ले लें यहाँ पे आप लोग, हम लोगों को रड़ियां करनी पड़े, कहीं पे भी मसला नहीं है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड नेचर को समझे। देखो इधर हम लोगों ने नहीं पढ़े बेसिस ला, ये एक्सपोनेंशियल ला, हर चीजें पढ़ी हुई है। जब पावर सेम हो जाए, आपने देखा n-1 है तो पता नहीं क्या होगा, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, n = 7 निकला मगर 2/7-1 लिखा होगा, 5/7-1 लिखा होगा, फिर 2/6 आया होगा, फिर 5/6 आया होगा, फिर समझे होंगे कि 2/5 है, फिर 6 दे दो, फिर 10 आया होगा, फिर 6, क्यों कह रहे हो ये,
पहली बात है, कुछ स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या है, मगर ये कि मैं जिनको समझ आया होगा तो उन्होंने कसर किया होगा। देखो पावर ऑलरेडी सेम पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोगों ने 2 × 5 करके रख देना है, पावर वही रख देना जो मैं कह रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इधर, सॉरी मैं भी नहीं कह रहा, जो लिखा हुआ है। नंबर 4 देखो, 5 पावर, सॉरी x पावर 5 √4 है इंटू है x पावर 2 √5 है। डोंट यू नो देन यू हैव सेम बेसिस एंड इट इज इन मल्टीप्लाई एंड इट इज इन प्रोडक्ट, व्हाट यू डू, यू ऐड पावर्स। तो x पावर 5/4 ये होगा एंड x पावर 2/5 ये होगा, बेसिस सेम है, पावर क्या होगा 5/4 + 2/5। तो भाई क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए बताओ जरा, 33 होना चाहिए या पहले वाला होना चाहिए, डी होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, 20 एलसीएम निकलेगी, 4 के टेबल 5 × 5 = 25 होगा, +5 की 4 × 8 होगा, क्या होगा x पावर 33/20। सिंपल था, इट वॉज जस्ट जस्ट सिंप्लीफिकेशन, नथिंग वॉज देयर। अभी तो मंथली टेस्ट है कि लग पता जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, व्हाट वाज इन क्वेश्चन नंबर 5, ए पावर देखो एम है, फिर उसके बाद ऊपर एन है, यानी पहले पहले तो ए के पावर क्या है 1/m है, फिर ऊपर क्या है फिर 1/n है, तो यू नो 1/m × n होगा, m × n, तो यू नो कि अगर इसको मैं फिर से सेम ले जाऊं तो क्या होगा, देखो फिर से सेम नहीं होगा, वही 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 चीज हो गई। ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, अगर आप लोगों को याद है तो, यहां तक का समझ आया है छोकरियों छोकराओ? हेलो, यस सर, शाबाश, दीज आर द वेरी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादातर समझ आना चाहिए और बड़े जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली फिर मुझे बताओ कि सर इधर से नहीं आ रहा, हम हटक गए हैं। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, 20 + 8 × 0.5 upon 20 - इधर यानी एक्स था, क्वेश्चन मार्क यानी x 12। अब यहाँ पे आके एक और मसला था, कोई मसला नहीं है मैं बता रहा हूँ, इधर देखो पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई है 8 × 2.5, ये ज्यादातर लड़कियां काम करती हैं, इधर देखो जरा, मैंने मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन, आई एम सॉरी मैं ऐसे बता रहा हूँ, सिर्फ ज्यादातर लड़कियां काम करती हैं इनको सॉल्व करने का, और मैंने ये टिप्स भी बताई है, अगर किसी के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो यानी 8 × 2.5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट इसका हाफ हो जाएगा यानी रिजल्ट आपका 4 आ जाएगा। अगर 8 डिवाइडेड होता 0.5 तो आपका ये 16 आ जाता। मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट आप लोगों का अगर हाफ मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट आपका हाफ आ जाएगा उसी नंबर का, अगर डिवाइड हो तो उसी नंबर का डबल आ जाएगा, ठीक है? यानी अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें तो 8 × 0.5 तो क्या आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा, डायरेक्ट घबराने की बात ही नहीं है, 20 - x = 12। अब क्या करना है, अब बच्चों ने कुछ और मसले किए होंगे भाई, मतलब देखो 20 और 4 को ऐड कर दो, 24 / 20 - x = 12 है, एंड यू नो वेरी वेल कि भाई अगर 12 टेबल इधर लग जाए तो लग जाएगी ना, पता है ना आप लोगों को, याद है मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट 12 टेबल लगा दो, 2 2/ क्या होगा 20 - x = 0, मिसाल के तौर पे 0 उतना ही होगा मगर ऑब्वियसली टेबल लग जाएगी, अगर मैं उधर उसको ले जाऊं तो क्या होगा। या आप लोग यूं भी कर सकते हो, इधर देखो इधर इधर अगर आप लोगों को इतना मन कर रहा है ना, इधर देखो, शाबाश शाबाश, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, यानी 24 / 20 - x = 12 आया, अब डायरेक्ट ले लो = 12 करके 20 - x कर लो, मगर प्लीज खुद आ रहा 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, और डायरेक्ट आप ये समझ जाओ कि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड होगा तो यानी क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 = 20 - x आ जाएगा, -x इधर ले और 2 उधर ले जाओ, x क्या बचेगा 18, x इज 18। हेलो छाला, यू गाइस लुक वेरी बोरिंग, माशाल्लाह से सही, इधर देखो इधर, शाबाश, रिस्पॉन्सिव बने, रिस्पॉन्सिव आप लोग होशियार हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्लास को क्लास बना के ना ऐसे इंटरटेनिंग नहीं बना रहा है। अब देखो 10 / 0.5, अब याद है अभी अभी मैंने बताया, अगर आप लोगों को याद हो तो, मल्टीप्लाई 0.5 अभी भी बताया था,
10 अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, मतलब 0.5 डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट 20 बन जाएगा। माइनस ट्वेंटी इसको हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 10 × 0.5 तो क्या रिजल्ट आएगा, 15। कितने सेकंड का है, 1 मिनट का फिफ्टी क्वेश्चन है, मुझे सच्ची बताओ, दिल से बताओ, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये? नो, नो सर। मगर कुछ स्टूडेंट ने डिवाइड करना चाहा ना, 0.5 किया, 0.5 किया, पॉइंट खत्म किया, 100 आ गया, 0.5 किया, फिर टेबल लगाई, 20 आ गया। अब तो 20 आ गया माशाल्लाह, उधर तो मैंने कहा अगर डिवाइड करोगे 0.5 तो डबल हो जाएगा 10 का, बात खत्म। टोटके समझ आ रहे हैं? यस सर। शाबाश, बदल करे टोटकों को ना, आप लोग अप्लाई भी करो इंशाल्लाह। देखो ये क्वेश्चन देखो, 1/4 + 1/4 है, मैं एक सच्ची बता रहा हूँ, इनको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा देखना। 1/4 × 1/4 है, चलो ठीक है, 1/4 को पहले एलसीएम करो। मैं एलसीएम निकलवा के देखता हूँ आप लोगों की, 4 एलसीएम होगा क्या होगा भाई, 2 होगा क्या होगा, 1/4 होगा ऐसे, सॉरी 1/2 होगा ऐसे ना, यानी टेबल लग गई 1/2। अब देखो 1/4 + 1/4 2 है, यानी अगर मैं कहूँ आप लोगों को एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x ना, तो 1/4 + 1/4 क्या होगा, 2 × 1/4 कर दो, यानी जैसे 2x हुआ था 2 × x हो गया था 2, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1/2, सिंपल सी बात है, 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया ऊपर वाला आपका 1/2 अपॉन, ये क्या है, 1/16 आ जाएगा, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई में है, 1/16 आ जाएगा। व्हाट आई टोल्ड यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 16/2 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। डिड यू गेट इट, शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है, कह रहा है कि इन अ कॉलेज 1/5 ऑफ द गर्ल एंड 1/8 ऑफ द बॉयज टू पार्ट इन द सोशल कैंप, व्हाट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज टुक पार्ट इन द कैंप। वन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ द गर्ल, टोटल गर्ल्स में से 1/5 एंड 1/8 ऑफ द बॉयज टुक पार्ट, टोटल में से, टोटल गर्ल्स में से 1/5 ने हिस्सा लिया, टोटल बॉयज में से कितने हिस्सा लिया, 1/8 हिस्सा लिया, ठीक हो गया। अब क्या ये है और ये है, ऐड करो, मतलब यानी ऐड करोगे तो एलसीएम आएगी ना, एलसीएम क्या आएगी, 40, 5 की टेबल 40 पे 8 बार, 8 की टेबल 5 बार, क्या देखो क्या रिजल्ट क्या आया है। जी, व्हाट कैन बी द आंसर थर्टीन अपॉन प्लीज, 40 13/14, सॉरी 40, शाबाश 13/40, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/8 टू हैव 1/8, यानी कह रहा है कि 2/8 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन सा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को भी आप लोग एज एक्स लो, कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं हो रहा आप लोगों पे, भाई 2/8 से सब्ट्रैक्ट क्या करें, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या कौन क्या है, वो एक्स है, इक्वल्स किसके बने, टू हैव जो हम लें, हासिल करें, 8 हासिल कर रहे हैं, 1/8 इक्वल के रखते हैं, तो भाई एक्स उधर ले जाओ क्योंकि नेगेटिव है, अब 1/8 इधर ले आओ, यानी 2/8 + 1/8 हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 8 एलसीएम आएगा आप लोगों का, 2 + 3 3/8 किधर है, किधर भी नहीं है, अल्लाह खैर करे, चलो देयर कैन बी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। हाँ सर, +1/8 कैसे हुआ, सॉरी माइनस, माइनस हाँ कैसे हाँ हुआ। हाँ हाँ आई एम सॉरी, यस यू गॉट इट, यू गॉट इट, मैं परेशान सा हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ, अब बड़े अल्लाह खैर करे, -1/8 होगा क्योंकि 1/8 इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, मैं समझू हुआ क्या है, यानी 1/8 रिजल्ट आएगा। आर यू गाइस गेटिंग, 1/8 रिजल्ट है आप लोगों का, यस यस ये है, भले आप लोग 2/8 से 1/8 कैंसिल भी करो तो आप लोगों का रिजल्ट 1/8 ही आएगा, देख लो। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखो जरा, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, याद है ये हम लोगों ने किया हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो,
यू गैस रिमेम्बर? यस सर, आपने करवाया था। जी देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर निगाह घुमाओ, नजर घुमाओ इस पे, बंदा किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, चंबाणूस। शाबाश, मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे क्वेश्चन हमें ना तब चढ़ती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इधर देखो इधर, शाबाश। मतलब क्या कह रहा है कि 2/5 ऑफ द हाई स्कूल फैकल्टी इज वेमेन। फैकल्टी अब बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, यानी मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, कुछ भी हैं, मगर क्या है उन टोटल में से 2/5 कौन है? वेमेन है। 12 ऑफ द मेन ऑफ द फैकल्टी आर अनमैरिड, वाइल 2/3 ऑफ द मेल फैकल्टी टीचर्स आर मैरिड। द टोटल नंबर ऑफ द फैकल्टी इज, हमें क्या उनके बच्चे काम आ रहे हैं, मैरिड अनमैरिड है? इधर देखो जरा, शाबाश। लुक, अगर मैं कहूं कि टोटल टोटल फैकल्टी जो है वो एक्स है, सुनिए जरा, ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए थे अगर याद हो तो। उन टोटल फैकल्टी में से 2/5 जो है वो क्या है? वेमेन है। ये वो कौन है? ये है वेमेन। ओके, तो मेन कितने होंगे टोटल बताओ जरा, इधर मेन कितने बचेंगे? 3.5, हाँ, 3/5 छोकरियों, कुछ याद है आप लोगों को? ये मैंने टोटकेस दिए थे आप लोगों को। इन्हीं मेन में से कह रहे हैं कि 14 जो है वो मेल अनमैरिड है। क्या है 14? कौन है? इन्हीं मेन में से अनमैरिड है लोग, अनमैरिड। ठीक, 14 अनमैरिड हो गया, मगर मैरिड का फ्रैक्शन क्या दिया था उन्होंने? 2/3, ये मैरिड का फ्रैक्शन था। मसला ये है, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे एक बात बताएं आप लोग, कि आप लोग बता सकें अगर, तो कि भाई अगर मुझे इस अनमैरिड का टोटल 14 मिला हुआ है, अगर मुझे अनमैरिड का रेशियो फ्रैक्शन मिल जाए, तो क्या मैं डायरेक्ट मेन फाइंड कर सकता हूँ? टोटल मेन, यानी वही याद है ना कि 1/2 ऑफ, यानी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी, यानी फ्रैक्शन एंड टोटल गिवन, याद था कुछ? तो मैं अगर कहूं कि भाई 3/5 टोटल मेन है, इस टोटल मेन को एज अ टोटल लो, उन टोटल को 2/3 अनमैरिड, ये देखो 2/3 क्या लिया गया, मैरिड का 2/3, तो अनमैरिड कितने बचेगा? 1/3 बचेगा ना, अनमैरिड कितना बचेगा? 1/3। अनमैरिड का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3 होगा। तो मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि भाई अगर 1/3 ऑफ टोटल, टोटल कौन है भाई? मेन, एक्स किसके बराबर है? 14 के बराबर है, तो एक्स क्या आना चाहिए? 42। अब ये 42 कौन है? सर ये अनमेरिड है सर, नहीं, 42 मेन है, टोटल मेन है, अनमैरिड का तो हम लोगों ने मेरे निकाला था ना, है ना हमारे पास, अनमैरिड मेल का है। फ्रैक्शन 1/3 निकला, अनमैरिड का फ्रैक्शन 1/3, एंड 14 तो अनमैरिड था ही था ना, क्योंकि हमें 14 का अगर अनमैरिड का फ्रैक्शन मिल जाता तो हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। टोटल कौन है? टोटल ये एक्स कौन है? मेल सर, टोटल ही, मेल, टोटल टोटल मेन है मेल ना, सर। टोटल मेन है, शाबाश। अब टोटल मेन मुझे मिल गया 42, टोटल मेन क्या मिल गया? 42। अब ये मुझे टोटल मेन 42 मिल गया। अब फाइंड क्या करना था? टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी, एक्स ऊपर वाला एक्स फाइंड करना था मुझे। अब देखो इसका फ्रैक्शन भी मिला हुआ है 3/5, 3/5 ऑफ किसका? टोटल एक्स, टोटल नंबर फैकल्टी किसके बराबर है? 3/5 जो है बराबर किसके है? 42 के। अब एक्स क्या आएगा? 72 आएगा या 70 आएगा? 70 आएगा, होगा शाबाश, सेवेंटी सर। आएगा। तो टोटल क्या मिले? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1.5 मिनट आप लोगों से खा सकता है ये, मगर क्या है कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 2-4 मिनट लगा दिए। ये क्वेश्चन अगर फास्ट फास्ट तरीके से करोगे ना, आप लोग आराम से आता जाएगा, मगर यह है कि पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बड़ा मसला होगा। अब देखो 12, 12 क्वेश्चन में क्या था, किसी ने क्या लगाया पता है? 2 पे लगाए क्या है? अरे चर्या बना, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ये अनलिमिटेड हो, यानी √2 √2 √2 ऐसे अनलिमिटेड चलता जाए, नॉन स्टॉप हो, तो डायरेक्ट ये रूट, मतलब पूरे का जो अंदर होगा वो 2 आएगा। ऐसे थोड़ी आप लोगों ने लगा दिया। इधर देखो,
कितने रूट है? 1 2 3 4 5 रूट है, यानी टू पहले पहले पे 1/2 होगा, दूसरे पे क्या है देखो। हाँ सब्जेक्ट मतलब करते जाओ, शाबाश। यानी सबसे पहली बात है कि और टू नहीं हो सकता, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऑप्शन में देखती अंदाजा बता रहा हूँ, टू नहीं हो सकता। टू नहीं हो सकता तो 1 और 0 क्यों होगा भाई? फिर डी होगा ऑब्वियसली रिजल्ट 2 से थोड़ी कम आएगा, 1 1 क्यों आएगा? डी होगा, डायरेक्ट नॉट होगा। कुछ कुछ सेंस लगाना बड़ा जरूरी है। अगर इसको सॉल्व करने पे आए तो देखो, इस 2 पे क्या है पहले, 1/2। मुझे ये बताओ इस 2 पे कितने हैं? 1/2 × 1/2 2 हैं। फिर सेकेंड 2 पे कितने हैं? 3 है। 1/2 × 1/2 × 1/2। फिर चौथे पे कितने हैं? 4 हैं। देखो एक सीक्वेंस बन रही है, यानी 4 है तो नीचे 4 1/16 हो जाएगा। पांचवे पे कितने हैं? 1/32 हो जाएगा। ऐसे यानी देखो, ये 1/2 × 2^1/4 × 2^1/8 × 2^1/16 × 2^1/16 × 2^1/32। अब क्या करना है आप लोगों ने, कुछ याद है? ऐड करना था इनको। ऐड कर दे, जस्ट ऐड कर दे, सेम है तो ऐड करेंगे पापा। शाबाश। ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा लगा देना उसको, ऐड करना तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ भी नहीं है इधर, आपने नॉट लगाना है। कुछ बच्चे माशाल्लाह मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें तो आंसर ही नहीं है। क्यों आंसर नहीं है भाईजान? ये नॉट सीधा सारा नहीं दिख रहा, बड़ा बड़ा नॉट लिखा हुआ है। पता है कुछ बच्चों ने आंसर निकाला हुआ होता है, सर 2 पावर समथिंग निकल रहा है मगर आंसर है नहीं। माशाल्लाह मुबारक, मैंने कहा मैथ आ रही है मगर। हाँ अच्छा, 13 देखो क्या कह रहा है, 13 का आंसर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 4, दैट शुड बी 4। बताऊं कैसे? मुझे बताना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, नजर नहीं आ रहा? यानी √11 इसी को मैंने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, √11² − √7² अब ये खत्म हो गया, रूट स्क्वायर खत्म हो गया ना, 11 − 7 किसके बराबर होगा? 4 के। चला ठीक है यो, हेलो कादे हो, जी सही है, समझ अच्छी हो रही। शाबाश गुड, आ गया ना समझ? यस अब जुलू वक्ते, सर, शाबाश। 14, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ। अब एक बात हमेशा समझ लेनी है आप लोगों ने, देखो रेशनलाइजेशन फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग? देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि √2 है, √2 है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो सकता है? यानी √2 लगाऊं दूसरा, या √3 लगाऊं, या √4 लगाऊं, क्या हो सकता है इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर? क्या हो सकता है रेशनलाइजेशन फैक्टर से मुराद ये है कि आप इसको नंबर फर्स्ट से, ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो, अगर ये रूट खत्म हो जाता है तो बस वही आपका आंसर है। यानी √2 × √2 करूं अगर, इसका तो आंसर 2 आ रहा है, यानी √2² हो जाएगा, खत्म हो गया रिजल्ट 2 आ गया, बस रेशनलाइजेशन फैक्टर आपका ये 2 हो गया। ऐसे ही क्योंकि इसका क्यूब था ना, ऊपर क्यूब है तो पहले आपने पकड़ना ही क्यूब वाले को है, पहले आपने पकड़ना ही क्यों क्यूब वाले को है, तो क्यूब वाला कहाँ पे? इधर इधर इधर, चलो 5 है, 5 को देख लेते हैं। यानी क्यूब है ये, 5000 है ठीक है, इनटू ये क्यूब √5 है। अब क्योंकि क्यूब है तो हम डायरेक्ट उसका भी क्यूब, उसका भी क्यूब, तो डायरेक्ट एक क्यूब लगा के 5000 × 5 कर सकते हैं। अच्छा सुनिए जरा, 1 मिनट जरा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ठीक है ना, सुना जरा। चलो मल्टीप्लाई भी करो, मैं आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ, चलो मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 हो गया और ये 25। सर जी अबा सर क्यूब जी, रूट अंडर रूट 5 कैसे निकला? कैसे क्यूब रूट अंडर 2 5 अंडर रूट 5 जो निकल रहे ये हम मल्टीप्लाई किया लोग आपने। देखो, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, सॉल्व करने पे हमारा रेशनल नंबर आ जाए। देखो अभी ये रेशनल नंबर नहीं लग रहा आपको, 5000 वाला रेशनल नंबर लग रहा है आपको? नो सर, नहीं लग रहा ना, मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर आ गया तो वाह वाह हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ आ रही है? देखेंगे, एक मिनट रुको, अभी आ गया ना, देखो
अगर मैं इसको थोड़ा छोड़ के अगर 5000 में फैक्टर करूं, 5000 के फैक्टर निकालो, अगर आप लोग निकालो जरा, शाबाश। 2 की डबल जाएगी 2500, फिर 2 की डबल जाएगी 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम 1250, फिर 2 की डबल जाएगी 2 टाइम, 5 टाइम, फिर आपकी 5 टाइम, 5 की डबल 25 टाइम है ना, और फिर 5 की डबल 5 टाइम, फिर 5 की डबल इतने टाइम, 2 2 2 2 कितने आए, 5 5 5 5 कितने, देखो ये सिर्फ आपका है 5000 का, यानी क्यूब रूट 5 क्या है, 2 क्यूब एंड 5 क्यूब इंटू 5, तो यार ये तो बच गया ना, ये तो चला गया, अब क्या। ये तो निकल जाएगा ना, इसका तो आ जाएगा, बट 1 मिनट, आई थिंक देयर इज नथिंग इन मिस्टेक, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं है, शाबाश। सारे स्क्वायर आएगा, 2 क्यूब आएगा, 2 पे और 5 पे क्यूब आएगा ना। 5 पावर क्यूब है कि दिया तो है ना यार मैंने। एक और एक्स्ट्रा 5 दिया है ना सर। अच्छा एक और एक्स्ट्रा मैंने 5 दिया है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं एक्स्ट्रा 5 मैंने इसलिए दिया है जो अंदर ये 5 आया है, समझ आ रही है, ये अंदर 5 दिया ना मैंने इसलिए ये आया इधर, क्योंकि वो 5 मल्टीप्लाई जो किया हम लोगों ने रूट क्यूब वाला। अच्छा अच्छा रुकी रुकी रुकी, चलो इस पे नहीं हो रहा ना, इस पे नहीं हो रहा, चलो हम 2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चलो हम 2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये 3 5000 इंटू 2 होगा, क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मल्टीप्लाई करूंगा सेम, फिर रूट वही आ जाएगा, ये कितना होगा 10000 है ना, 10000 होगा, चलो 10000 का क्यूब रूट कुछ निकल सकता, नहीं निकल सकता, 10 का क्या निकलेगा, ये क्या होगा, आ गया ना 10 आ गया, क्यूब रूट आ गया, सर ऐसा देखो करना आपका आंसर डी है, सर। योर आंसर इज डी सर यार, आपकी आवाज बड़ी इधर उधर भाग रही है, शाबाश। ये थोड़ा समझ आया है, गर्ल्स एंड बॉयज, समझ नहीं आया। यार आपने सिर्फ नो मल्टीप्लाई सर, करना है, इधर देखो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 5000 के साथ क्यूब रूट 5000 इंटू क्यूब रूट क्या करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई करना है, व्हाट यू गाइस हैव टू मल्टीप्लाई, यू गाइस हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन में क्या आया ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब याद है आप लोगों क्यूब रूट सेम होगा तो क्या करना है, 5000 इंटू 2 करना है, तो ये क्या बन जाएगा 10000, हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी भी मल्टीप्लाई करके देखा, हमारा क्यूब रूट नहीं निकला, अब यानी 10000 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा क्यूब रूट खत्म हो जाए, रूट, तो 10000 का पता है कि 10 पावर क्यूब क्या होता है, 10000 होता है, तो आपने क्या करना है, रूट देना है, क्यूब रूट खत्म हो गया, 10 आ गया, यानी एग्जैक्ट आंसर निकल गया, तो आपका यानी जो रेशनलाइजेशन फैक्टर है वो आप लगा डी है, सब बात खत्म हो गई, समझ आ गई है, मल्टीप्लाई करने पे। चले टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, 1 मिनट 1 मिनट, 15 देखो, 15 क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2+√3, कौन है, माइक माइक जरा माइक थोड़ा कंट्रोल करें माइक पे प्लीज, सवेरा ठीक है, एक्स इज इक्वल 2+√3 है, तो आप क्या चाहिए, एक्स प्लस 1/x, ये आप 10 में पढ़ के आए हैं, मगर फिर भी मैं कसूर आप लोगों को नहीं दे रहा कि आप लोगों को नहीं आता, अगर तो एक्स तो हमारे पास है ना, 1/x कहाँ से मिले, 1/x यानी 1/x, एक्स क्या है, एक्स यही नंबर है जो मिला हुआ है, यानी 2+ क्या मिलेगा, √3, अब जब भी आप याद करें ऐसे एक्स को फाइंड करना है तो रेशनलाइज जरूर करना है, x+√3 क्या होगा, रेशनलाइज ही होगा ना, क्या होगा फिर, यानी एक्स एक्स क्या है, 2+√3 हाँ, और +1/2+√3 है, इसको पहले आप ऐसे सॉल्व करके आप कर लो, या पहले आप इनको रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज, पर रेशनलाइज हम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, तो प्लीज मूव ऑन, हाँ रेशनलाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, शाबाश, डोंट वरी अबाउट दैट, टाइम बहुत कम खड़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा जाना चाह रहा हूँ आगे, 16 ये रेशनलाइज में याद दिलाई, व्हेन सिंप्लीफाइड, अब इसको सिंप्लीफाई करना था, देखो ये नेगेटिव है ना, यानी -1/27 है, ऊपर क्या है नेगेटिव है, -2/3 था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -27 डायरेक्ट हो जाता, कुछ याद है आप लोगों को, ये माइनस की सिंबल इधर ही खड़ी होगी, माइनस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा,
माइनस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, माइनस की इधर ही होगी सिंबल, मगर वो फ्रैक्शन ऊपर चला गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो -3/3 लिख सकता हूं मैं, 2/3, 3 गया -3/2, अब क्या आएगा, 9 आएगा, तो वेयर इज 9, पॉजिटिव 9 ए। शाबाश, 17 देखो, कह रहा 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, कह रहा था यानी कि एक्स है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, फर्स्ट एंड थर्ड का कह रहा था यानी x+x+4 कह रहा था, किसके बराबर है, 70 के बराबर है, x+x 2x 4 उधर जाएगा तो 66 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या, 33, x 33 आ गया, क्या पूछे व्हाट वुड बी द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर क्या आना चाहिए, 35, क्योंकि 37 तीसरा नंबर है, पहला नंबर हमें 33 मिला, दूसरा 35, 37, तो 35 हमारा नंबर था मिडिल, वो ये था, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ना माशाल्लाह से। नंबर 18 देखो, देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स द सेकेंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, यानी सबसे पहले तो आप नंबर देखो, एक्स है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, सम ऑफ द फर्स्ट x+2 टाइम्स द सेकेंड यानी 2 × x+2 एंड 3 टाइम्स द थर्ड यानी 3 × x+4 किसके बराबर है, 70। पहले सॉल्व करो, देखो एक्स प्लस क्या होगा, 2x+4 + 3x+12 इक्वल्स 70, x 2x 3x कितना होगा, 6x, 4 और 12 16 आता है, 16 70 से गए तो कितना आएगा भाई, 54, x इज इक्वल टू 9 आएगा, पर आप लोगों से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द थर्ड नंबर, 9 ये है तो 11 और 13, थर्ड नंबर 13 होगा, तो किधर है, सी पे खड़ा था, चलो ऊपर देखो नंबर 19 कह रहे 8 टाइम्स द नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 इज सेम एज 15 मोर देन 7 टाइम्स द नंबर, सेम एज यानी मैं कहूं कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, मिसाल के तौर पे सेम एज का है मैंने, अब क्वेश्चन की नेचर को देखो क्या कह रहा है, 8 टाइम्स नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 यानी कोई नंबर है उसी का 8 टाइम्स जो है इंक्रीज बाय 9 इज सेम एज यानी सेम है 515 मोर देन 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 15 मोर देन, अब कुछ समझ आया, यस सर, 7x इधर आया तो 8x से 7x, x गया 9 उधर जाए तो 6 आ जाएगा, तो नंबर कौन सा मिला आप लोगों को, हाँ क्या हाल है, ट्वेंटी देयर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हूज सम इज -78 द स्मॉलेस्ट वन इज, कुछ लोगों ने क्या किया कि यार नेगेटिव ये करके यार ये सिमोलेस्ट है इसको लगा दिया, अय हाय क्या गलती करते हैं, देयर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स यानी एक्स एक्स हू सम इज x+x+1 x+2 किसके बराबर है भाई, -78 के, एक्स 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 कितना, 3x+3 नेगेटिव उधर जाएगा, -78 -3 क्या होगा, -81, एक्स क्या आएगा, -27, एक आपका -27 आया, दूसरा क्या आएगा, x+1 है या -26, तीसरा क्या आएगा, -25 आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बताओ यस जरा, सर, मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 27, -27 इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव में, कौन सा कह रहे हैं, रिपीट करूं मैं, अमृता सिक्सटीन वाला है, कौन सा कह रही है, थोड़ा बताएं जरा, टाइम जा रहा है,
सर 16 बोल रहे हैं सर, 16 तो। 16 वाला इधर देखो अमृता, क्लास चली जाएगी, 2 मिनट पड़े हुए हैं, 1 मिनट जरा देखो। 16 वाले में क्या कह रहा है, -1/27 है, ठीक है, ये -2/3 है, ये नेगेटिव है पावर, पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो 1/27 ना जो है ना, 1/27 उल्टा हो जाएगा, यानी -1/27 को ये 27/1 हो जाएगा उल्टा, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव करना है, निशानी उसकी चेंज करनी है तो। अब उल्टा हो गया ये 1, नीचे 2 भी कोई काम का नहीं है, -27 को 3/3 लिखा आप लोगों ने, ये 2/3 है, 2/3 ये 3/3 खत्म हो गया, -3/2 क्या आएगा, 9 आएगा, समझ आ गया। ओके थैंक यू वेलकम। सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट दिस टेस्ट जो कि हम लोगों ने ऑब्वियसली वीकली टेस्ट 3 ली थी, और होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे, और जब टेस्ट आएगी तो वहां पे आप लोगों ने कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है ना, इंशाल्लाह। सर जी मैं आज की तो क्लास में मजा बेस्ट, आया, या आप लोगों मैथ क्लास बोर करती है या जल्दी गुजर जाती है ये तो बताओ जरा। जी बहुत कम सेकंड्स रह गए हमारे। सर जी मंथली टेस्ट जो हमारे किस दिन को है? फ्राइडे, फ्राइडे इंशाल्लाह, फ्राइडे को मंथली टेस्ट होगी आप लोगों की। चलें गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, कहते हैं फिर इंशाल्लाह, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और अपने लोगों को कभी ना छोड़ें, अपनी फैमिली, अपने जो भी इर्द गिर्द करीब रिश्तेदार हैं हमेशा उनके साथ चलें, रिश्तेदार जैसे भी हों, मगर आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू।